अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ एक और दिल की बात लेकर आई हूँ। और इस टाइम जो दिल की बात है वो कोई पॉजिटिव बात नहीं है, वो नेगेटिविटी है जो मैंने ऑब्जर्व की है और मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। भाई ऐसा है कि मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी, और भाई यूनिवर्सिटी जाते जाते ही मैं क्या देखती हूँ कि हम लोग तो भाई मतलबी के मीम को छोड़ो, हम अलग से ही मतलबी हैं। मतलबीपन हमारा रोड्स पे भी हमें क्लियरली नजर आता है, हमारी गाड़ियां भी हमें शो करती हैं कि हम किस हद तक मतलबी हैं। भाई ठीक है, मैं बताती हूँ। हम इस हद तक मतलबी हैं कि मुझे गुस्सा तो आता था भाई ट्रक्स पे जो साइडों पे मतलब चलने के लेफ्ट साइड पे चलने के बजाय राइट साइड पे तो चलते ही थे। अब ट्रक वालों ने भी नया काम स्टार्ट कर दिया भाई, वो चलते चलते जो है वो चीजें एक दूसरे को पकड़ाते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे ट्रक खड़ा हुआ है और एक रोड के सेंटर में ट्रक खड़ा है, और उन दोनों ने क्या करना है भाई, उन दोनों ने आपस में चीजें भी देनी है, उन्होंने गपशप भी लगानी है जैसे कि ये उनका पर्सनल ड्राइंग रूम है। पीछे गाड़ियां रुकती हैं, रुके हॉर्न बजाती हैं, बजाएं भाई, हम तो मतलब ही इंसान है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चले दूसरा किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। तो अब हम आते हैं दूसरे किस्से पे। जैसे ही मैं ट्रक्स का सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए ख्याल आया, यार ये तो बाइक वाले करते हैं, शुक्र है आज बाइक वालों ने नहीं किया। और जैसे ही मैंने ये सोचा तो मैं अपने लेफ्ट साइड पे दो बाइक्स वालों को देख रही थी, ठीक है, और दोनों के दोनों जो हैं वो हाथ पकड़ के बाइक साइड पे चला रहे हैं, ठीक है, बातें कर रहे हैं जैसे उनका अपना पर्सनल ड्राइंग रूम है, बाबा के पापा ने जमीन खरीदी थी उस पर सड़क बन गई तो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया हुआ है। आप तीसरे किस्से पे आते हैं। तो भाइयों तीसरा किस्सा कुछ ऐसा है कि भाई हमने अगर टर्न लेना होता है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, और अगर हम मिस कर देते हैं और वहां से अगर गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से बैरियर्स लगाए हुए हैं कि यहाँ से नहीं जाना, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल फैसला है भाई। हम इतने मतलब ही हैं कि हम उस रोड पे पूरी की पूरी रोड की ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे, बट हम उस रॉन्ग वे से जाके अपना थोड़ा सा तो पेट्रोल बिताएंगे भाई। भाई इतना दूर जाके कौन यूटर्न ले, हाँ तो हम वहीं से थोड़ा सा ट्रैफिक को रोकेंगे, खैर है भाई हमारी खातिर थोड़ा बहुत तो कर लेगी, और टर्न लेके हम आराम से अपना सुकून से पेट्रोल बिजाके चले जाएंगे। ठीक है, चाहे हम वैसे पेट्रोल साड़ते रहे बट इसमें तो हमने बचाए हैं, देखो हम बचत भी करते हैं। ठीक है, खैर ये तो हो गया तीसरा किस्सा। चौथा ये है कि भाई वो ड्राइवर्स की नहीं, ये मांगने वालों का, मतलब वो उनको मांगने आए और उनको इस हद तक चाहिए कि वो आपकी गाड़ी का शीशा खराब कर देंगे, इस हद तक खराब कर देंगे कि जब आप उनसे कहोगे अब तो साफ करके जाएगा, भाग जाते हैं। हमसे ज्यादा मतलब ही कौम कोई नहीं है, तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा शीशा साफ नहीं, हम गंदा करके जाएंगे। खैर गाड़ियां तो हम जेब्रा क्रॉसिंग पे रोकते हैं है ही नहीं, तो लोग तो हमारे वैसे ही सड़कों के बीच में से रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम मतलब ही है, हमें जहां से क्रॉस करनी है रोड हम करेंगे, और हम मतलब ही है कि हमने जेब्रा क्रॉसिंग पे हमने गाड़ी जो है वो उससे पहले रोकनी नहीं है, हमने उसके ऊपर रोकनी है। ठीक है, तो वो तो खैर नल हो गया, हमारे यहाँ तो माना ही नहीं जाता। ठीक है, मैंने ये सोचा कि हम क्यों ऐसे करते हैं, मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो किसी के आगे पत्थर रखने से रोका हुआ, हम तो पूरे पूरे ट्रक लगा देते हैं, बाइक्स लगा देते हैं, रिक्शा लगा देते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, यहूदी खड़े हो जाते हैं सिग्नल ग्रीन होने पर रोड क्रॉस करने लग जाते हैं, हमें इतनी सेंस नहीं है। लिटरली मेरा भी दिल रो रहा है, मेरे पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है और मेरा दिल कर रहा है मैं किसे उड़ा के ले जाऊं, मतलब हम लोगों में एहसास नहीं है, हमने तो गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे लगानी होती है। ठीक है, मतलब हम लोग इतने नीचे हैं कि हम अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे लगा देते हैं, जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे, कहाँ जाना है, किधर पहुंचना है, क्या बचा के करना है, किधर 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 जाना है, मुझे समझ नहीं आती हमारी कॉम के। वेले वैसे बैठे रहेंगे, वेले फेसबुक खोल के, इंस्टाग्राम खोल के पूरा पूरा दिन गुजार देंगे, बट नहीं, रोड पे तो हमें टाइम बचाना है, हम क्यों रोड पे खड़े रहे। खैर
वीआईपी कल्चर तो प्रॉब्लम है ही है हमारे कि रोड ब्लॉक कर देते हैं, बट ये जो हमारी अपने अपने मतलब हम पे तो वही नाफिज होंगे जैसे हुक्मरान वैसे ही नाफिज होंगे जैसे हम खुद हैं, तो हम लोग बहुत मतलबी हैं। हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा ताकि हम अपने से पहले लोगों का सोच सकें और कुछ ऐसा कर सकें जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। तो प्लीज खुद तो अपने लिए आसानी पैदा करो पर दूसरों के लिए मुश्किल मत पैदा करो। इतना मतलब ही ना हो जाओ कि अपने अलावा तुम्हें कोई और ना दिखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे अगली दिल की बात पे।